सुमित जी, एक 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 वो कहावत थी कि मीठा मीठा गपगप और खट्टा खट्टा थू थू। जहां मेरी तारीफ करी तो बहुत अच्छा है, और आप तो स्वतंत्रता के प्रतिबिंब हैं डेमोक्रेसी के, और जहां मुझे कटघरे में खड़ा करें तो आप तो जो है सुपारी लिए हुए। अब आप मुझे ये बताइए, जीतने के फौरन बाद आप में आपसी सिर फुटबंद होते हैं, ये मीडिया ने करवाया था क्या? आपके एमएलओ का दुराचरण, चाहे वह अफसरों को पीटना हो, चाहे वह शराब की बोतलें हो, चाहे कुछ भी हो, ये क्या मीडिया का करवाया हुआ था क्या? आपके मोहल्ले सभा में अगर 50 लोग आए, और आज मीडिया कहे कि साहब सिर्फ तो 50 लोग नहीं आए नहीं थे, तो ये भी मीडिया की गलती सुधांशु है? जी, सुधांशु जी, मैं अगर कहूंगा, अरविंद सुधांशु केजरीवाल जी, जी कहते हैं, सुधांशु जी, सुनिए और इनके नेता, सुधांशु जी, इनके मेरा 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 राघव चड्ढा से सवाल करने का काम मेरा है, आप मत करिए। मैं बीजेपी से सवाल करूंगा सुधांशु मित्तल। आप लोगों ने भी हम लोगों पर बहुत कुछ कहा है, कभी बाजारू कहा है, कभी बिकाऊ कहा है, कभी प्रेस्टिट्यूट कहा है। और अगली एक और बात मैं आपको याद दिलाता हूँ, इसी IBN 7 को आप ही की पार्टी ने आज से 7-8 साल पहले जहरीली सीडी दिखाने को लेकर बैन कर दिया था। हमको गेस्ट नहीं मिलते थे, आप लोग हमको हमारे पैनल पे आते नहीं थे, आपको याद है सुधांशु मित्तल? सुमित जी आपको असलियत ध्यान भी नहीं है, फिर जब आप बोल रहे हो तो आपको असलियत ध्यान भी दिलवा लेता हूं। जब IBN 7 का बायकॉट हुआ था, तब यह हुआ था कि वो सीडी जो है एक विश्वासघात करा गया था। सीडी जिस समय मामला रिकॉर्ड अभी हुई भी थी, सब सीरियस वो है। एक्सपोजर एक्सपोजर हुआ था, उसको ये तय करके करा गया था कि हम दिखाएंगे। सुनिए सुनिए एक सेकेंड, और नहीं दिखाया गया जिसका जिसका कि हमने अपना आक्रोश दिखाया। लेकिन लेकिन प्रश्न क्या हो रहा है यहां पे? प्रश्न ये हो रहा है कि मैं कोई इंसिडेंट होता है उसके खिलाफ खड़ा होकर बोल रहा हूं। मैं आपको ये नहीं कह रहा आपने मेरे खिलाफ सुपारी ले ली है। अगर कोई इंसिडेंट बोलना में चाहिए, आपका जो अच्छी बात पक्ष है है क्या? वो एनडीए मेरे से एक पक्ष से साल बता विपरीत दे है, क्या? बाजारू बोलना तो बहुत मुझे अच्छी लगता चीज है है कि क्या? आप पक्ष गलत दिखा रहे हैं। सुनिए, मैं खत्म कर लूं, अगर बीच में आप ना बोले तो बहुत मेहरबानी होगी, क्योंकि आप जब बोल रहे थे तो मैं नहीं बोला था। राघव जी, थोड़ा सा एक हम लोग एक दूसरे के प्रति सम्मान दिखाएंगे तो अच्छा होगा। प्रश्न ये है, प्रश्न का संदर्भ जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यहां पे किस संदर्भ में बोला गया? संदर्भ में बोला गया तोमर जी के, जिनके की दिल्ली की प्रेस का वो बार एसोसिएशन ने उनकी सदस्यता रद्द करने के लिए सिफारिश कर रखी है। क्यों? झूठे दस्तावेज देके उन्होंने अपने को रजिस्टर करवाए लॉयर की तरह, और झूठे दस्तावेज देके वो उन्होंने सारे काम करे। अब इसको अगर दिखाना, इसको उजागर करना, इसकी वजह से आप जो है आप कटघरे में मीडिया को खड़ा करने वाले हैं, तो करते रहिए भैया।